वेलकम क्लास, आज आपका केंद्रिका एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक कॉमर्स मैनेजमेंट का ट्रेंडिंग टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिविडेंड मॉडल। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हर साल, इसमें क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, वो है डिविडेंड मॉडल। अब डिविडेंड मॉडल में पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि ये डिविडेंड मॉडल में किन ऑथर्स ने इसकी बात करी है। तो पहली चीज तो हमें ये याद रखनी चाहिए कि इसमें जो बात कही गई है, 3 ऑथर्स हैं, जो भी 3 साइंटिस्ट हैं हमारे, 3 लोगों ने ही इसकी बात करी है। पहली बात करी है जेम्स ई वॉल्टर ने, और दूसरी बार बात करी है डिविडेंड पॉलिसी की, करी है गॉर्डन ने, और तीसरी बार करी है एमएम अप्रोच ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो उसमें से सबसे पहली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा जेम्स ई वॉल्टर ने अपना डिविडेंड मॉडल दिया। तो उसमें क्या बताया वॉल्टर्स ने, ये डिविडेंड मॉडल में बताया कि जो डिविडेंड पॉलिसी यानी कि डिविडेंड का रिलेवेंट इंपैक्ट पड़ता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पर, यानी कि मार्केट वैल्यू आपकी क्या होती है कि कंपनी की कोई भी वैल्यू उसकी एमपी पर शेयर, यानी कि मार्केट में एक शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि आपका वैल्यू कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि वॉल्टर ने इसमें डिविडेंड मॉडल में क्या बात करी। तो डिविडेंड मॉडल में वॉल्टर ने ये बात करी, उन्होंने ये बताया कि जो हमारी डिविडेंड रेट है उसका वैल्यू ऑफ द फर्म पर रिलेवेंट इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे पड़ता है, उन्होंने इसमें 2 बातों को ध्यान में रखा। उन्होंने ये बताया कि कोई भी अगर शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में, कोई भी शेयर होल्डर अगर किसी भी कंपनी में आपका इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी लास्ट ईयर की कैसी रही है। वो उन पॉलिसीज को चेक करता है, डिविडेंड रेट को चेक करता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो को चेक करता है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसके लिए इन्होंने 2 चीजों को अपना मुख्य बिंदु माना। पहला, रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मध्य संबंध, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में क्या रिलेशन होता है। दूसरा, कि डिविडेंड रेट, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, कब क्या होना चाहिए। इन्होंने 3 बातों की ये पूरी व्याख्या की है। 2 मुख्य बिंदु रखे हैं इन्होंने। पहला ये रखा है इन्हें कि आपका रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में रिलेशन क्या होता है, और रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेशियो के साथ डिविडेंड पे आउट रेशियो कब ज्यादा और कब कम होना चाहिए, ये भी इन्होंने बताया है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे रिलेशन को इनने समझाया है। सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे बताते हैं कि आपको बता दें कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न पहले होता क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का, अगर हम लोग कोई भी चीज का, कोई भी कैपिटल गेन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर लेते हैं, तो डिबेंचर पे हमें एक इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, ये हमारी कैपिटल एंड कैपिटल ऑब्टेन करने की कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है तो 1 लाख पे अगर आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो इसका मतलब 10,000 का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये इंटरेस्ट जो होगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगी। दूसरी चीज, जब फिर क्या होता है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट या फिर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने किसी कंपनी में करा और उससे आपको क्या रिटर्न आया, ये होता है रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल पहले समझ लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या हुआ कि मान लीजिए 1 लाख का लोन आपने दिया है और उसमें क्या करा, 10% का इंटरेस्ट लगता है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10,000 हो गई। दूसरा, रेट ऑफ रिटर्न, आपने यही 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए और वहां से आपको 15,000 रुपए का डिविडेंड मिलता है या फिर 15,000 का आपको रिटर्न मिलता है, तो वो आज आपका हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पता होगा तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि कब आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाना है और कब कम करना है।
ये वॉल्टर्स ने इतनी क्लियरली डिफाइन करा है कि कैसे किसी वैल्यू, किसी कंपनी की वैल्यू पर उसकी डिविडेंड पॉलिसी इंपैक्ट डालेगी। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे तीन चीजें ली हैं। पहली चीज क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न के बीच में कौन कौन सा रिलेशन है। तो पहला रिलेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पहले रिलेशन में कि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। फिर दूसरा जो हमारा दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न कम है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है। फिर तीसरा जो चीज हमें दिख रही है कि इसमें दोनों चीजें हमारी रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों ही हमारी इक्वल फॉर्म में है, यानी कि दोनों ही इक्वल है। अब क्या होता है कि जब हमारा रिलेशन इन थ्री टाइप्स का होगा तो हमारा क्या डिसीजन लेना चाहिए पे आउट रेशियो में, ये वॉल्टर ने समझाया है। तो समझिएगा, अगर आपका इंक्रीज इन डिविडेंड रेशियो हो रहा है, अगर आपका फर्स्ट कंडीशन है रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होगी, यानी कि आप जैसे ही डिविडेंड रेट बढ़ाएंगे या फिर डिविडेंड रेशियो बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज हो जाएगी। दूसरे में कहा गया है वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी अगर आप क्या करेंगे रेट ऑफ रिटर्न आपका कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अगर आप क्या करते हैं, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो अगर आप वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी कि आप क्या करेंगे इंक्रीज इन डिविडेंड रेशियो करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी। तीसरी कंडीशन में हमारा क्या है कि अगर दोनों सेम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी उतने ही आपके खर्चे हैं जितने की आपने कमाई है तो उसमें क्या हो जाएगा डिविडेंड पॉलिसी कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी। ये कंडीशन केवल तभी फॉलो होगी जब आपका वैल्यू ऑफ द क्या हो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या तो कम हो, वरना नो चेंज। क्लियर है? फिर अगर आपने देखा फिर सेकेंड कंडीशन में आ जाएंगे, अगर डिक्रीज इन डिविडेंड रेशियो करते हैं हम तो इसमें क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो इंक्रीज इन वैल्यू हो जाएगा, दूसरे में डिक्रीज इन वैल्यू हो जाएगा और तीसरे में नो चेंज। अब बात ये आती है कि ये कैसे इन पता करें कि कब हमें बढ़ाना है कब हमें कम करना है, या फिर इनका इनसे क्या संबंध है, इनसे क्या रिलेशन आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कम होने पर ज्यादा होने पर वैल्यू ऑफ द फर्म यानी कि अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है यहाँ पे कि रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या होता है कि आपने किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जितनी भी कमाई करी उसे कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि अगर आपने कहीं से भी कैपिटल या तो वो इक्विटी से ली हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो डिबेंचर के थ्रू ली हो, चाहे वो लोन के थ्रू ली हो, आपने कहीं से भी कोई कैपिटल अगर ली है तो उसे आपको जहां पे यूटिलाइज करना है वहां से आपकी जो इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी रेट ऑफ रिटर्न कहलाती है। ये यानी कि आपकी आप इसे एक तरीके से इनकम भी कह सकते हैं अपनी। क्लियर है? दूसरी बात ये होती है इसको अगर आप कहना चाहें तो एक्सपेंस कह सकते हैं, यानी कि आपने जो भी कैपिटल ऑप्टेन करी है चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो इक्विटी हो और चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, उनकी कैपिटल लेने पर उनको जो भी खर्चे हमें देने पड़ते हैं वो हमें क्या कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे कि जब हम कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और वहां पे लिखा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो उनके साथ एक रेट दिया होता है 8%। फॉर एग्जाम्पल 5000 शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर 8% रेट 10 रुपीज पर ईच। तो इसका मतलब हो गया एक शेयर 10 रुपए का है और 8% उस पर हमें डिविडेंड पे करना है। तो ये जो डिविडेंड पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो हमारी क्या होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसे ही हमारा जब डिबेंचर हम लेते हैं तो डिबेंचर क्या होता है डिबेंचर के साथ इंटरेस्ट रेट जो एक फिक्स होता है वो क्या होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे हमने 1 लाख का अभी एग्जांपल दिया कि 1 लाख का अगर आपका लोन लिया है फिर डिबेंचर लिए हैं आपने और इस पे 10% का अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो 10% यानी 10,000 क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। अब समझते हैं कि अगर इसका मतलब ये है, पहली कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है।
तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कैपिटल यानी कि जो भी कैपिटल आपने, जो भी मनी आपने किसी दूसरे से लिया है, उसका यूटिलाइजेशन आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बशर्ते वो जिस तरीके से करता। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में अगर वो बंदा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता तो उसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना मिलता उससे ज्यादा आप उसे कमा कर दे रहे हैं या फिर उससे ज्यादा आप कमा पा रहे हैं। तो यानी कि आप अपनी कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इस इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के समय पर यानी कि आपकी जब इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो तो ये कहा जाता है, वॉल्टर ने ये कहा कि आपका जो पे आउट रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम कर देना चाहिए। यानी कि आपको डिविडेंड के रूप में क्या करना चाहिए, पेमेंट नहीं बांटना चाहिए। ऐसा क्यों? वॉल्टर ने ये कहा कि आपको डिविडेंड के रूप में पेमेंट इसलिए नहीं बांटना चाहिए, फॉर एग्जांपल वो जो डिविडेंड है जिससे वो इनकम होगी उसका रीइन्वेस्टमेंट आप फिर से कर देंगे तो उससे क्या रेट ऑफ रिटर्न आपका और बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। अब क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे बढ़ती है, किसी भी कंपनी की ग्रोथ उसकी डिविडेंड पॉलिसी पर डिपेंड करती है या फिर उसके रेट ऑफ रिटर्न पर डिपेंड करती है। अगर रेट ऑफ रिटर्न आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका फर्म जो है वो ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ कर रहा है तो आप अगर वो चीज पैसा डिविडेंड के रूप में अगर शेयर होल्डर या फिर डिबेंचर होल्डर या फिर किसी भी स्टेक होल्डर को बांट देंगे तो वो इतना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा मनी का जितना कि आप कर रहे हैं। जैसे कि आप दे, अगर आप वो दस रुपए का एग्जांपल लेते हैं कि दस रुपए के अगर आपने करा तो दस रुपए पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लीजिए एक रुपए मिलती है उस शेयर होल्डर को और आप उसे दो रुपए कमा के दे रहे हैं तो इसका मतलब दस रुपए का जो यूटिलाइजेशन है वो आप अच्छे से कर रहे हैं ना कि वो। तो इस समय कहा जाता है कि आप किसी भी तरीके के डिविडेंड मत बांटिए। अगर आप डिविडेंड रेट बढ़ा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप पैसा क्या कर रहे हैं, लोगों के हाथ में दिए दे रहे हैं और वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूटिलाइजेशन उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू कर लेंगे। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है वो ज्यादा अच्छा है तो आपको क्या करना चाहिए, उस पैसे को फिर से री इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए ना कि उसे शेयर होल्डर को बांट देना चाहिए। तो इस केस में पे आउट रेशियो क्या होगा, ग्रोथ फर्म के टाइम में जब आपका आर आपके के से बड़ा होगा तो आपकी जो फर्म की कंडीशन होगी वो होगी ग्रोथ फर्म। ग्रोथ फर्म के टाइम आप हमेशा याद रखें कि पे आउट रेशियो आप डिक्रीज करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म यानी कि एमपी पर शेयर मार्केट में बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप इस समय डिविडेंड रेट बढ़ा देते हैं या फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा देते हैं तो आप बहुत सा पैसा शेयर होल्डर के हाथ में दे देंगे और वो उसका इतना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे जितना कि आप कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म कम हो जाएगी। इसलिए वैल्यू ऑफ द फर्म अगर आपकी क्या हो, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो तो आपको क्या करना, डिविडेंड पे आउट रेशियो कम नहीं कर, ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्यादा करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज हो जाएगी, अगर आप कम करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी। ये पहला डिसीजन होता है। दूसरा डिसीजन क्या होता है, ग्रोथ फर्म के समय आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो कहा जाता है 0% रखना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का डिविडेंड पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा यानी कि आप उस कैपिटल से ज्यादा पैसा कमा के दे सकते हो बशर्ते कि शेयर होल्डर वो जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करेगा मार्केट रेट से, ठीक है। तो इस समय कहा जाता है कि ग्रोथ फर्म का टाइम हो तो 0% हमें रखना चाहिए क्या, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर आपकी ग्रोथ फर्म हो तो आपका पे आउट रेशियो क्या रखना चाहिए। 2018 8 जुलाई के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि आपका ग्रोथ फर्म है तो आपको पेमेंट पे आउट रेशियो यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा रखना चाहिए, तो आपको उस समय डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखना चाहिए, ठीक है। यानी किसी भी तरीके की कोई भी अर्निंग आपको शेयर होल्डर के साथ नहीं बांटनी है। दूसरी चीज, दूसरा ये पॉइंट आता है कि आर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आपकी इनकम जब कम हो कॉस्ट से यानी कि एक्सपेंसेस से कम हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। जहां भी आप पैसा लगा रहे हैं या फिर जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपको उतना इनकम भी नहीं आ रही है कि आप अपने खर्चों को पूरा कर सकें। तो उस समय कहा जाता है कि ये जो फर्म की कंडीशन होती है वो होती है डिक्लाइन फर्म।
डिक्लाइन फर्म क्या होती है, यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो खराब हो रही है, तो इस समय पे आउट रेशियो आपका 100% रखना चाहिए। आपको इस समय डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रखना चाहिए, 100% रखना चाहिए। इस समय अगर आप क्या करेंगे, आप देखिएगा, अगर इंक्रीज इन डिविडेंड रेशियो करते हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो रही है। यानी कि फिर से देखिएगा कि रेट ऑफ रिटर्न आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, तो यानी कि ये बात है कि आप अपनी कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी सारी इनकम, सारी अर्निंग्स डिविडेंड के रूप में बांट देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि डिविडेंड ज्यादा पेमेंट करने वाली कंपनी क्या करती है, मार्केट में पॉपुलर हो जाती है और उसके शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाती है। समझिएगा, पहली कंडीशन में आपकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की वजह से, यानी कि आप ज्यादा कमा के दे रहे हैं, यानी कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न आपके ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी कि आप अपने कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे थे, तो आपका मार्केट वैल्यू पर शेयर बढ़ रही थी। दूसरी कंडीशन में आप अपना इनकम, यानी कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो इस समय अगर आपको मार्केट वैल्यू बढ़ानी है तो इसकी सबसे पहली कंडीशन यह है कि सारा डिविडेंड बांट दीजिए, क्योंकि शेयर होल्डर जब कैपिटल मार्केट में पास ट्रेंड देखेगा, यानी कि आपकी अतीत के डिविडेंड पॉलिसी देखेगा, यानी कि पास्ट की डिविडेंड पॉलिसी देखेगा और देखेगा कि ये 100% पे आउट रेशियो रख रहे हैं, यानी कि ये डिविडेंड ज्यादा बांट रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छी फर्म है, तो उससे आपकी मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि वो बढ़ जाएगी और आप काफी पॉपुलर हो जाएंगे कैपिटल मार्केट में, क्योंकि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पेमेंट पॉलिसी भी मार्केट वैल्यू को बढ़ाती है। कोई भी शेयर होल्डर आपकी कंपनी के साथ डिविडेंड पॉलिसी को दूसरी कंपनी के साथ जब चेकआउट करेगा तो आपके पेमेंट का ज्यादा देखकर वो क्या करेगा, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देगा और मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। अब क्या होता है, जब आप अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं कैपिटल का, तो आपको सारी इनकम शेयर होल्डर के हाथ में दे देनी चाहिए, जिससे आपकी कंपनी मार्केट में पॉपुलर हो जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इस टाइम अगर आप डिविडेंड पेमेंट में भी कम कर देते हैं तो आपका शेयर होल्डर आपसे नाराज हो जाएगा, यानी कि आपके स्टेक होल्डर आपसे नाराज हो जाएंगे, तो वो कैपिटल मार्केट में र्यूमर्स फैला सकते हैं, जिससे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि आप अपना पैसा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मार्केट में डिविडेंड पे आउट रेशियो भी अगर कम रखेंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगी, आपकी जो गुडविल है वो खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिससे वैल्यू ऑफ द फर्म कम हो जाएगी। तीसरी कंडीशन में कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल है, तो यहां पे कहा जाता है कि यानी कि आप उतना ही कमाते हैं जितना कि आपके खर्चे हैं, यानी कि आप उतना ही कमा रहे हैं जितना कि आपके खर्चे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, इस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है कि जो भी आप पेमेंट रखते थे, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, यानी एवरी रेशियो, यानी कि आप यहां पे जो भी पे आउट रेशियो चल रहा था, फॉर एग्जांपल आप 40% बांटते थे और आपका जो आर है रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल था, जब आपका पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 40% था, तो आपका आर कितना था, के इक्वल था, तो इस समय आप लोग क्या करेंगे, जो भी रेट, जो भी डिविडेंड पे आउट रेशियो चल रहा है वही चलने देंगे, उसमें ना कमी करेंगे ना ज्यादा करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू फर्म में ना बढ़ोतरी होगी और ना कमी होगी, तो यानी कि मार्केट वैल्यू वैसे की वैसी मेंटेन रहेगी और उसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर से एक बार रिव्यू लेते हैं, समझते हैं कि अगर रेट ऑफ रिटर्न आपका ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपका सबसे सही डिसीजन रहता है डिविडेंड पेमेंट का, कि आप क्या करें, डिविडेंड पेमेंट को करना बंद कर दें, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो बंद कर दें, क्योंकि आप उनसे उस कैपिटल से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं जितना कि शेयर होल्डर नहीं कर पाएगा। तो इस समय क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कि डिक्रीज इन डिविडेंड पे आउट रेशियो करना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी, और इस समय भी अगर आप अच्छे समय भी अगर अपनी अर्निंग बांट देते हैं तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छा से कर सकते हैं, आप उस पैसे का यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, बशर्ते कि कोई और करे।
ठीक है, तो इससे आपकी वैल्यू दो फर्म बढ़ जाएगी। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि जब आपका रेट ऑफ रिटर्न किससे कम होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा, तो उस समय ये रहता है कि आप अपनी कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, मार्केट में पॉपुलर होने के लिए, गुडविल इमेज बढ़ाने के लिए डिविडेंड 100% कर देना चाहिए, जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट काफी मिल जाएगा और आपकी कंपनी की गुडविल इमेज भी बनी रहेगी और मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन है, क्या होता है जब आपकी इनकम आपके खर्चों के बराबर है, तो जो भी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो आपने पहले से अपनाया था उसमें कोई चेंज ना करिए, वैसे ही चलने दीजिए। और इससे ना क्या, ना तो वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी, ना तो कम होगी। तो ये वॉल्टर्स ने डिविडेंड का इंपैक्ट समझाया कि वैल्यू ऑफ द फर्म पे डिविडेंड का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे आपको रिलीवेंट इंपैक्ट पड़ता है। रिलीवेंट कैसे पड़ता है कि आपने यहाँ तीनों कंडीशन में देखा है किसी ना किसी तरीके से वैल्यू ऑफ द फर्म या तो कम होती है या तो ज्यादा होती है डिविडेंड पे आउट रेशियो से। तो ये पूरा रिलेशन वॉल्टर्स ने समझाया अपने पूरे डिविडेंड मॉडल में, और इनकी जो डिविडेंड पॉलिसी आती है उसमें कहा जाता है, इट इज अ रिलीवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीवेंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसमें दो जो हैं वो रिलेवेंट इंपैक्ट को बताते हैं और एक इरिलेवेंट को। तो दो कौन से हैं, जेम्स सी वॉल्टर ने ये बताया है कि डिविडेंड का जो पेमेंट होता है यानी कि इंपैक्ट होता है वो आपका रिलेवेंट पड़ता है वैल्यू ऑफ द फर्म पे। तो पहला क्वेश्चन है, अगर वॉल्टर है आपके ऑप्शन में तो उसे क्लिक कर दीजिए। दूसरा आपका है गॉर्डन, गॉर्डन ने भी सेम बात यही बताई है कि डिविडेंड का जो पेमेंट है यानी कि आपका जो डिविडेंड का इंपैक्ट है वैल्यू ऑफ द फर्म पे वो क्या है, रिलेवेंट है, यानी कि डिविडेंड पेमेंट पे आउट रेशियो और आर और के में रिलेशन आपका वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करता है। क्लियर है, तो अगर गॉर्डन भी दिए हैं तो आप उस पे क्लिक कर दीजिए, अगर बोथ दिया है तो बोथ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तीसरा आपके एमएम यानी मोदी मिलानी गिलर, उन्होंने क्या एमएम अप्रोच ने कहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो का किसी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ द फर्म पे, यानी कि जो इरिलेवेंट पॉलिसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी जिसने भी दी है वो एमएम अप्रोच है। तो अगर आपको कभी भी कुछ पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी, तो आप उसमें क्या करेंगे, हमेशा एमएम अप्रोच लिखेंगे, और अगर रिलेवेंट पूछेगा तो जेम्स वॉल्टर या तो आप गॉर्डन को करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन क्या आता है कि आपका पे आउट रेशियो किस फर्म में कितना होना चाहिए। तो अगर ग्रोथ फर्म दी है तो आप कहेंगे 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, नहीं, अगर आपकी ग्रोथ फर्म दी गई है तो आपको यह कहना पड़ेगा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 0% होगा, और अगर आपकी डिक्लाइन फर्म दी गई है तो आपका पे आउट रेशियो क्या होगा, 100% होगा। और अगर आपकी क्या है, नॉर्मल फर्म है यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी इनकम के यानी रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल है तो आपका एवरी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो यानी एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, यानी कि जो भी चल रहा था वो ही आपका ऑप्टिमम यानी कि बिल्कुल इक्वल है। इससे आपका क्या होगा, ना वैल्यू ऑफ द फर्म कम होगी ना ज्यादा होगी। तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिविडेंड मॉडल, ये बहुत पूछा जाता है वॉल्टर्स डिविडेंड मॉडल डिविडेंड पॉलिसी। तो इसमें ये आज का हमारा पूरा टॉपिक था। आपको इस टॉपिक की क्या बातें अच्छी लगी, क्या बातें खराब लगी, आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में केंद्रिका यूट्यूब चैनल में। अगर आपको लगता है कि ये आपकी क्लास जो थी वो काफी इम्पैक्टफुल थी या फिर सिग्निफिकेंट थी, तो आप अगले क्लास के लिए भी, हम लोग अगले कोई टॉपिक के लिए भी हमसे क्लास मांग सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का उसी टॉपिक के ऊपर आएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।